दिल्ली सरकार द्वारा पास हुए प्रस्ताव को एलजी से मंजूरी नहीं मिली है। बता दें कि यह प्रस्ताव सीएम अरविंद केजरीवाल ने भेजा था, लेकिन दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम फिलहाल जारी रहेगा। दरअसल कोविड केस कम होने पर दिल्ली सरकार ने इन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में अब प्राइवेट दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार का यह प्रस्ताव मान लिया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी शामिल था। प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह बंद करके वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया था। बता दें कि फिलहाल दिल्ली में कोविड केसों की संख्या घट गई है, लेकिन देश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 703 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना केसों का यह नंबर कल के मुकाबले करीब 30,000 ज्यादा है। इसके अलावा कई महीनों बाद 700 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में भले ही केस कम हुए हों, लेकिन मौत का आंकड़ा भी कम है। कल 12,306 कोरोना केस मिले थे और 46 लोगों ने जान गंवाई थी। बता दें कि दिल्ली में एक्टिव कोरोना मामलों की 68,730 संख्या है। नेशन वन के लिए दीक्षा अरोरा की रिपोर्ट।